ग्लास स्किन किसे कहते हैं? इसकी सही परिभाषा आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ग्लास स्किन सुनते ही हमारे दिल दिमाग में एक ही स्किन टाइप ऑफ आता है, वो है कोरियन एंड जैपनीज स्किन, जो बिल्कुल टोन अप, टाइटन, ब्राइटन कॉम्प्लेक्शन की होती है। और मन ही मन हम चाहते हैं कि हमारी स्किन भी बिल्कुल उसी तरीके से दिखे। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलिए कोरियन DIY रेमेडीज हम इंडियन स्टाइल में बना के देखते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर और मेरे न्यू व्यूवर्स जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम लवली है और मेरी चैनल का नाम है लवलीन की दुनिया। मैं लाती हूँ जीरो इन्वेस्टमेंट में आपके लिए काफी कुछ DIY रेमेडीज, जिससे आप अपने स्किन को बिल्कुल घर बैठे सेट कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर सुनना होगा, समझना होगा, टू हैव अ बेटर रिजल्ट फॉर योर सेल्फ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ डाफ पानी। सबसे पहला इंग्रेडिएंट और की इंग्रेडिएंट है हमारा डाफ पानी। यहाँ पे आप नारियल पानी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नारियल पानी कोकोनट वाटर में पाया जाता है, बहुत हायर अमाउंट ऑफ एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, जो हमारे स्किन को टोन अप करता है, टाइटन ब्राइटन करता है और जो हमारी हीलिंग एक्नीज पे काम करता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे चेचक जैसे जिद्दी दाग जो हमारे पीछा नहीं छोड़ते काफी टाइम तक, उसे इसे रिमूव करने की ताकत क्षमता होती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि यह हमारे स्किन के लिए, ओवरऑल पूरे हेल्थ के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। बंडल ऑफ विटामिन्स, यस फ्रेंड्स, कोकोनट वाटर में बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, B2, B3, C, इतने सारे विटामिन से ये बना हुआ है। तो ये हमारे स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है आप जान ही सकते हैं। इसमें हायर अमाउंट ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारे नॉर्मल वाटर और फ्रूट जूस से काफी हायर लेवल के होते हैं। तो इसका सेवन करना भी हमारे स्किन के लिए, ओवरऑल पूरे हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है। सो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है राइस। जहां पे कोरियन और जैपनीज स्किन की बात आए, वहां पे राइस का आना बिल्कुल जरूरी है, चावल का आना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कोरियन अपने फेस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सब सारे राइस से सॉल्व करते, चाहे वो राइस वाटर हो, चाहे राइस पाउडर हो, चाहे राइस बिल्कुल कुक्ड राइस हो। सो यहाँ पे आपको ऐड करना है 2 टेबल स्पून ऑफ राइस पाउडर, जिसे हम चावल का आटा भी कहते हैं। ऐड करने के बाद आपको इसे प्रॉपर मिक्स करना है, क्योंकि ये चावल है तो इसका काम ही है, ये थोड़ा फूलेगा ही, ये थोड़ा अपना वाटर अंदर में सोक करेगा ही। तो आपको इसे थोड़े देर के लिए छोड़ना है और अब बारी है यहाँ पे मॉइस्चराइजर ऐड करने की। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ विटामिन ई के कैप्सूल। आप यहाँ पे आलमंड ऑयल यूज कर सकती हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकती हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकती हैं और विटामिन डी के कैप्सूल्स भी यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। इतने सारे ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं, आप कोई भी चूज कर सकती है इनमें से एक। और उसके बाद इसे मिला देना है, और मिला देने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो काफी इम्पोर्टेंट है। हमें लेना है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो हम कह सकते हैं इस पूरे DIY रेमेडी का, तो हमें लेना है एक फ्रीजर का आइस क्यूब ट्रे, जो सबके पास अवेलेबल होता है, सबके फ्रीजर में अवेलेबल होता है। आपको इसे ले लेना है और इसके बाद यहाँ पे आलमंड ऑयल का एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे आप कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकती हैं, और जो मैंने DIY रेमेडी बना के रखी है उसे इसमें फिल अप करना है। जितने भी क्यूब्स में आपका आता है आप फिल कर दीजिए और इसे 3 घंटे के लिए बिल्कुल फ्रीजर में छोड़ दीजिए। 3 आवर्स के बाद आपको इसे प्रॉपर निकाल लेना है फ्रिज से, और उसे अब बारी है यूज करने की। तो यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके फेस को प्रॉपर वॉश कर लेना है। आप इसे पर डे यूज कर सकती हैं, आप अपने स्किन पे इसे रब कर सकती हैं आइस क्यूब को, जैसे मैं बिल्कुल यहाँ करके आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके फेस पे आइस क्यूब्स नहीं सूट करते उसका भी सॉल्यूशन है, आपको करना बस इतना है कि एक आइस क्यूब को निकाल करके रख देना है जब तक वो मेल्ट ना हो जाए, और मेल्ट होने के बाद आपको उसका एप्लीकेशन करना है। तो आप इसका एप्लीकेशन रोज कर सकती हैं क्योंकि ये केमिकल फ्री है। अगर आपके स्किन पे एक्नेस के स्पॉट्स रह गए हैं या फिर आपको चिकन पॉक्स हुआ है और उसके स्पॉट्स कहीं पे रह गए हैं, तो आप इसका रोज इस्तेमाल करके उसे बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकती हैं। आप इसका यूज बिफोर मेकअप भी कर सकती हैं। अगर आप शादी पार्टी कहीं भी जा रही हैं, आपको मेकअप वेयर करना है, तो इससे पहले आप एक आइसिंग क्यूब यूज कर सकती हैं। इससे आपको मेकअप फिक्सर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी और जो भी मेकअप से आपके स्किन पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन नेचुरली विजिबल ग्लो हो जाएगी, एंड बिलीव मी इसके इस्तेमाल से आपकी जितने भी स्पॉट्स
डार्क स्पॉट से वो सारे खत्म हो जाएंगे, चाहे वो कितने भी जिद्दी क्यों ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू गाइज की ये रेमेडीज आप बिल्कुल जाके अभी प्रिपेयर करने वाले हैं और अपने स्किन को वो कोरियन स्किन में कन्वर्ट करने वाले हैं। होप यू गाइज की आप मेरी पूरी बातों से कन्विंस हो गए होंगे और इस DIY रेमेडी को अपने घर पे बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे और इसका जो भी रिजल्ट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आकर के बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं लाती हूँ जीरो इन्वेस्टमेंट में आपके लिए काफी कुछ नया। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। अपना ख्याल रखें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अपने स्किन का ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें।